हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। मैं हूं नवल, आप देख रहे हैं नवरित गेमिंग। ये है माइनक्राफ्ट का पॉकेट एडिशन। आज पहली बार लाइफ में मैं माइनक्राफ्ट का पॉकेट एडिशन खेलने वाला हूं। बस ऐसे ही माइंड में आइडिया आता है कि यार, मतलब कि वो कितना डिफिकल्ट रहता होगा कि स्क्रीन में, छोटी सी स्क्रीन में। मेरे को लगता है कि माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम है जो शायद पीसी के लिए ही बनी है, ऐसा लगता है। और जो अगर आप पीसी में खेलने के बाद माइनक्राफ्ट को मोबाइल पर खेलेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट जिसने भी मतलब स्टार्टिंग से माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेला होगा उसको शायद डिफिकल्ट नहीं लगता होगा, या फिर क्या चीज़ होता होगा, बट फिर भी लगता है कि यार पीसी में ज़्यादा इजी रहता है। बट आज मैं उसको खेलने वाला हूँ और देखेंगे कि हम लोग एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, देखेंगे कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। ये मैंने इंस्टॉल किया क्योंकि मेरे को पता है माइनक्राफ्ट जब आप लेते हो, लेने से पहले आपको ट्रायल मिलता है कुछ दिन के लिए कि आप एक बार उसको खेल के देख लो, अगर आपको पसंद आए तभी बाई कर सकते हो। ये चीज़ बहुत बेस्ट है, मतलब बाकी सारे गेम्स में ऐसा नहीं है, बट मेरे को लगता है कि होना चाहिए ताकि आप एक बार ट्रायल करके आपको पता लगे कि यार आप मतलब इसको खरीदना सही रहेगा नहीं रहेगा। तो अभी मैं जस्ट वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ इसमें और मैं डाल रहा हूँ इसका नाम नवरित। यहाँ पे नॉर्मल है, सर्वाइवल वर्ल्ड है और मुझे पता भी नहीं स्टार्टिंग मैप पता नहीं क्या चीज़ है। बोन इनफाइनाइट वर्ल्ड टाइप इनफाइनाइट, अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। प्रोसीड, पता नहीं क्या चीज़ है, बस हाँ बिल्डिंग टेरेन हो रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में फाइंड आउट करना होगा क्या हमको कैसे मूव करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। और देख रहा हूँ, अच्छा ये इन्वेंट्री हमारी ओपन हो गई है। ओके ठीक है ठीक है, इन्वेंट्री ओपन हो गई है, पता नहीं कैसे होने वाला है। तो अभी हम लोग चलो, ये सेंसिटिव कितना है ठीक है, जा रहे हैं और इससे मूव हम लोग इससे हो सकते हैं। इससे क्या होगा यार, शिफ्ट का काम करेगा क्या, पता नहीं। अब मेरे को इसको तोड़ना कैसे है। ओके 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 ओके, मुश्किल है यार, अरे बहुत मुश्किल है। मैं सोच रहा था कि इसमें स्पीड रन टाइप हम लोग करेंगे कि कहाँ तक। अच्छा अच्छा ओके 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 ठीक है यार, थोड़ा सा बहुत थोड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा जब मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पर टच करना पड़ा और उसके बाद से काम करना स्टार्ट कर रहा है। तो पता नहीं यार कैसे लोग कैसे खेलते हैं, मतलब ऐसे ही खेलते होंगे या फिर कोई और बेटर तरीका होगा। बट अभी तक तो मुझे लग रहा है कि यार ये है डिफ़िकल्ट है, मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ें करना। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें बना लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, लगता ही नहीं कि यार मतलब इतना मुश्किल होगा। एक मैं फ़िलहाल वुड तोड़ रहा हूँ, उसके बाद जो दूसरा डिफ़िकल्ट होने वाला है हमारे लिए वो होगा कि क्राफ्ट करना कुछ भी, क्योंकि क्राफ्ट करना इसमें बहुत मुश्किल होने वाला है यार, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। देख रहे हो मतलब वुड से ज़्यादा मैंने डर्ट तोड़ दी है, अब जाके मुझे क्राफ्ट करना है। ठीक है, तो क्राफ्टिंग टेबल कहाँ पर होगी हमारी, अच्छा ये जंप है, ये क्या चीज़ है ये, अच्छा ये क्राउच है ठीक है, और क्राफ्टिंग टेबल ओके। तो क्राफ्ट करना ठीक है, शॉर्टकट कैसा होगा ये नहीं पता, बट ओके 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 क्राफ्टिंग टेबल बना ली मैंने फाइनली, चलो कुछ तो हुआ मेरा क्राफ्टिंग टेबल में बना पाया। अब इसको प्लेस कैसे करना है मुझे ये नहीं पता। ओके हो गई हो गई, चलो चलो फाइनली मैं बना रहा हूँ कुछ स्टिक्स वगैरह बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि यही सबसे मुश्किल काम होने वाला है, देखो मूव आगे पीछे चलना वो सब तो हो जाएगा, कैसे 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 भी कैसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे उसको। बट ये चीज़ है बहुत इरिटेटिंग है यार, मतलब अगर ना आप माइनक्राफ्ट पहली बार आप खेलने का सोचो, अगर आप पॉकेट एडिशन में खेलोगे तो आप शायद ना ही खेलो, दोबारा नहीं खेलो माइनक्राफ्ट। बट अगर आप पीसी में खेलोगे तो डेफिनेटली आप खरीदोगे माइनक्राफ्ट, ये मुझे लगता है यार। मैं स्टिक्स कैसे बनाऊं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। मैंने ओके 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 ठीक है, स्टिक्स बन गई और मैं इरिटेट हो जाऊंगा थोड़ी देर में इसको। अरे यार एक मैंने बना ली, मुझे अब दूसरा समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना। मैं चाहता तो आराम से ट्यूटोरियल देख के खेल सकते थे, बट वो चीज़ मज़ा नहीं आता ना, फिर मेरे को तो बस देखना था कि कितना डिफिकल्ट होता है किसी नए इंसान के लिए जब वो पहली बार माइनक्राफ्ट। नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर लोगों को देखते हैं सब पीसी में खेलते हैं, उसके बाद अगर हम लोग सपोज मोबाइल में खेलने का प्लान कर रहे हैं तो यार हम एकदम पगला जाएंगे, हम कहेंगे यार लोग तो इतनी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हम कैसे करें इसमें, कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे स्ट्रिक्स बनाने नहीं आ पा रही यार। तो अभी मैं टूल्स कुछ बनाने वाला हूँ, बट कैसे होगा नहीं पता मुझे। ठीक है, ये कैसे हो जा रहा है, कई बार तो हो जा रहा है। ठीक है ये हो गया, ओके कुल्हाड़ी बना ली मैंने, ठीक है कुल्हाड़ी बन चुकी है। और ठीक है पिकैक्स,
ओके, शायद मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है, शायद मेरे को लग रहा है। हाँ, अभी मुझे समझ में आ गया। ओके, ठीक है। तो अभी कुछ चीजें समझ में आ चुकी है, लेकिन अच्छा, तो कुल्हाड़ी बना ली मेरे को, एक बनानी शोवल, ठीक है, उसके लिए हम लोग रखते हैं इसको। इरिटेटिंग तो लग रहा है यार थोड़ा बहुत, मतलब कई बार वही चीज कर रहा हूं, चीजें हो जा रही, कई बार हो नहीं पा रही। सारी क्यों आ जा रही, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। छोड़ो, हम लोग अभी इसको काटते हैं। मुझे लगता है शायद मेरी सेंसिटिविटी भी थोड़ी सी ज्यादा हो रही है मेरे हिसाब से। और मेरे को ये नहीं पता कि स्प्रिंट कैसे करेंगे हम लोग, जंप तो कर रहे हैं, स्प्रिंट कैसे करेंगे? स्प्रिंट के लिए कोई बटन होगा या फिर? ये तो बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ यार मैं, ऐसे थोड़ा ना चलेंगे। चलो, मेरे को वुड काटना, थोड़ा बहुत क्राफ्ट करना तो आ गया इसमें कि क्राफ्ट कैसे कर पाऊंगा मैं, बट मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है यार मेरे को ये करने में चीजें। ओ शिट ओ शिट शिट शिट, गया, अभी गया था। मेरे को लगता है कि मुझे ना आराम से उधर से जाना चाहिए, तब जाके हम लोग जा सकते हैं। मुझे बस बेड ढूंढना है, मैं चाहता नहीं कि मेरे को रात को वेट करना पड़ जाए या फिर मैं रात की तरफ, रात को मर जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आगे तक जाऊं और देखता हूं कि मैं, मतलब पहली बार अगर मैं खेल रहा हूं उसको, मैं कितना सर्वाइव कर सकता हूं इसमें। अच्छा, इसमें तैरने का आ रहा है, पता नहीं क्या चीज़ आ रहा है। क्रीपर, इसको मार दूं क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यार बहुत मुश्किल था, मतलब मेरे को पता था कि मैं अगर लड़ूंगा तो किससे मरूंगा, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ भी चीजें। तो दोबारा से मैं ट्राई कर रहा हूँ न्यू वर्ल्ड क्रिएट करके, और अभी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ के देखा, एटलीस्ट मेरे को स्प्रिंट का पता चला कि यार स्प्रिंट कैसे करना है। तो अभी जाके देखते हैं कि क्या वर्ल्ड रिलोड, हमारा वर्ल्ड जनरेट हो रहा है, और बस कहीं पर विलेज वगैरह कहीं मिल जाए वैसे हम लोग देखते हैं। अभी अभी शायद स्प्रिंट मेरे को समझ में आ गया कि स्प्रिंट कैसे करना है, हो नहीं रहा, लेकिन मुझे समझ, कह तो रहा हूँ कि समझ में आ गया था, पता नहीं। ब्लॉक करना तो, ब्लॉक तोड़ना वोड़ना तो समझ में आ चुका था, क्राफ्टिंग में अभी भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही मेरे को कि क्राफ्ट कैसे करना है। एक बार क्राफ्ट कर लेते हैं उसके बाद से आगे जाते हैं कि क्या करना है। ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रही है कि अगर मैं एक बार यहाँ से चीज़ें रख ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको एक साथ ही मूव कर पा रहा हूँ, मतलब मैं अलग अलग उनको मूव नहीं करा पा रहा हूँ, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि उसका क्या रीज़न है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। मेरे को दोबारा से फिर क्राफ्टिंग टेबल में करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर पहले अपना टूल बनाना पड़ेगा। मैंने सपोज ये बना ली, मेरे को इसको हटाना है, इसको रख देना है यहाँ पे, और अब जाके मैं दोबारा नहीं बना पा रहा हूँ, मतलब मेरे को दोबारा फिर रीसेट करना पड़ रहा है। अब मैं अपनी एक्स बनाऊँगा, ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको, अभी तो खैर बन जाएगा क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ उनको, मैं फैला नहीं पा रहा हूँ टूल्स को। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है ऐसा। मैं प्लेन्स बायोम की तरफ जा रहा हूँ ताकि मेरे को कुछ कहीं पर कोई विलेज वगैरह दिखे या फिर कुछ शेप वगैरह दिखे। यहाँ पर शेप नज़र नहीं आ रही उस साइड को, माउंटेन्स है तो वहाँ तो कोई मतलब बनता नहीं ज़्यादा कुछ चीज़ों के होने का। यहाँ पर देखता हूँ कि अगर कुछ मिल जाए, मैं एटलीस्ट मेरे को स्प्रिंट करना आ गया, वही है कि अगर मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ तो शायद मेरे को चीज़ें आ जाएंगी। देखो, चीज़ें मेरे को आ जाएंगी करने की, किससे क्या हो रहा है वो चीज़, लेकिन जो अनकंफर्टेबल मेरे को लग रहा है ना, वो शायद उसको जाने में टाइम लगेगा। कितने हो गए मेरे पास? दो हो गए, एक और चाहिए मुझे आज रात सरवाइव करने के लिए। एक और मिल गई मिल गई मिल गई, लेकिन ये यहां से गिरूंगा पक्का। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डैमेज मिल नहीं रहा, क्योंकि मेरा ध्यान नीचे जा रहा है और ऐसा नीचे बार ग्रीन सा लग रहा है पूरा। भाग मत जाना। चलो, इनको मारना तो इजी था यार, मुश्किल काम तो वो है मॉब को मारना, और खासकर जोम्बी क्रीपर को मारना। क्रीपर बहुत मुश्किल काम है मारना मुझे लग रहा है यहाँ पे। आयरन भी मेरे को मिल सकता है ऐसे, अगर मैं जाऊँ केव में तो आयरन मिलने के चांसेस हैं। केव मेरे को नज़र आ रही है यहाँ पे, नहीं यहाँ पर तो नहीं है कुछ भी। मैं अंदर खोद के जा सकता हूँ, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार सबसे पहले ना क्राफ्टिंग टेबल रख के अपने लिए एक बेड बना लिया जाए। फिलहाल मेरे को बनाना है अपना बेड, तो बेड बन गया हमारा। अब रात का कोई टेंशन नहीं है, एक रात तो मैं सर्वाइव आराम से इसमें कर लूँगा। अब जाना है आगे,
आगे की तरफ को हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे, मुझे शायद उसके लिए टॉग कुछ ऑन करना पड़ेगा मेन्यू से, वो चीज़ें तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे देखना है कि अगर मैं कहीं पर विलेज ढूंढ पाऊँ, तो पहली रात होने वाली है और मैं बेड लगा के अब सो रहा हूँ। तो फाइनली इतना कुछ कर लिया, मतलब लग रहा बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था इसमें ये सब चीज़ें करना। अभी हम लोग इसको तोड़ते हैं। बेड कहाँ गया, आ गया, चलो मैं जा रहा हूँ आसपास थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की, क्या मुझे कुछ चीज़ें मिलती है अगर हम लोग, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर मेरे को विलेज मिलता है, मैं थोड़ा सा इसको मतलब हम लोग, क्योंकि मेरे पास फ्लिंट और स्टील है, फ्लिंट है, मेरे को स्टील चाहिए, मतलब आयरन वगैरह चाहिए विलेज में, हम लोग आयरन गोलम को मार के ले सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग आसपास कहीं पर पोर्टल वगैरह बना के नेदर में घुसने का ट्राई करते हैं, वो मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं कि वो कितना मुश्किल होगा। बस मेरे को, हाँ शायद यहाँ पर मुझे लग रहा है आयरन मिल जाएगा, मुझे चांसेस तो हैं, पता नहीं मैं हैंडल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मुझे फिलहाल यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, पता भी नहीं चल रहा कि क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है। तो मुझे यहाँ पर अभी लावा पूल दिखा है, जो मतलब एक बहुत सही साइन है, बट हमारे पास फ्लिंट और स्टील नहीं है, मैं मतलब बकेट चाहिए मुझे कैसे भी करके। अगर मैं बकेट ये कर सकता हूँ तो शायद मैं पोर्टल बनाने का ट्राई करता, वो बहुत मुश्किल होता मेरे लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें हो रही हैं कि कैसे मैनेज करना है। तो हमको एक रोइन पोर्टल मिला हुआ है जो मैं जाने वाला हूँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये बहुत सही चीज़ मिली यार, इसमें कुछ ना कुछ अगर काम की चीज़ें मिलती है ना तो बहुत सही होने वाला है। आयरन वगैरह मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा सही में। हम लोग नेदर में जाके भी देखते हैं कि नेदर का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। मैं यहाँ पर भी पोर्टल बना सकता हूँ और इसमें, अरे इसमें फ्लिंट एंड स्टील तो मिल गया मेरे को, फ्लिंट एंड स्टील की उतनी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा मेरे को यहाँ से यहाँ डालना है, समझ में नहीं आ रहा कि मेरी इन्वेंट्री कौन सी है और यहाँ की कौन सी है। ओके तो एक क्राफ्टिंग टेबल है इसमें, और बस लावा में नहीं गिर जाऊं। एक गोल्ड का ब्लॉक है यहाँ पर भी, मैं आराम से पोर्टल को नहीं कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ और चीज़ें लगी हुई है, बट मैं वहाँ पीछे बना सकता हूँ। मैं देखता हूँ एक बार मेरे पास क्या चीज़ है। क्राफ्टिंग टेबल को निकालो यहाँ पे, अरे यार सिर्फ एक आयरन बना इससे और कुछ भी नहीं, तो बकेट वगैरह कुछ बना नहीं पाऊंगा मैं। ओके तो फाइनली कुछ आयरन हमको मिला और इससे मैं शायद थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, पता नहीं एक ही है, कितना हो रहा है यहाँ पे, एक तोड़ दिया और नहीं नहीं ज़्यादा है, तो चलो हमारी आयरन की खोज भी पूरी हुई। दूसरी रात हो चुकी है और यहाँ पर मुझे कुछ आयरन दिखा था, उसके बाद मैंने शायद इसको गोल्ड से थोड़ा, पता नहीं किससे थोड़ा कहाँ गया, मेरे को दिखाई नहीं, या फिर नीचे चले गया, शायद गोल्ड से तोड़ने पर मिला नहीं मुझे लग रहा है। तो अभी मेरे पास चार और हैं जिनको मैं रख के मैं एक बकेट बनाता हूँ, उसके बाद से हम लोग वापस जिस डायरेक्शन से आए थे वहीं पर डालते हैं और अपना जो पोर्टल है उसको बनाते हैं, जो मज़ा आने वाला होगा, पोर्टल बनाने में मज़ा आएगा। फिलहाल मुझे लगता है कि खाने का कुछ मेरे को देखना होगा रास्ते में, अभी तो कुछ नहीं देख सकता। तो गोल्डन एप्पल है वैसे मेरे पास एक। तो फाइनली हमको एक घर यहाँ पर दिख गया है, जो मेरे को, मैं लावा पूल ढूंढने आया था, बट एक अच्छा ये घर है, और ये छोड़ा हुआ घर नहीं, कोई विलेज है छोड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पे मेरे को लावा पूल वहाँ पर दिख चुका था यार, अभी यहाँ पे लावा पूल का होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ से हाँ हमको कुछ काम की चीज़ें मिल सकती है। बट अभी मैं चाह रहा था कि यार मैं पोर्टल बनाऊँ, और इस अगर पोर्टल के नीचे लावा हुआ तो मैं बना सकता हूँ। यहाँ पर शायद लावा मुझे लग रहा है कि नहीं है, यहाँ पर नहीं नहीं है। ओके 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 ओके, शुट शुट शुट, नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी हेल्थ वैसे ही बहुत कम है यार, और मुझे लगता है कि यहाँ पे वैसे लावा तो है यार, हम आराम से बना सकते हैं। अब अगर मैं गड़बड़ ना करूँ कुछ, तो मेरे को प्लेस करना है यहाँ पे, यहाँ पे प्लेस करना है, नहीं इसके ऊपर प्लेस करना है मुझे, उसको तोड़ना है। ये बहुत मुझे चैलेंजिंग काम होने वाला है, पोर्टल बनाना वो भी बकेट से, जो कि बहुत मुश्किल होता है, मतलब वैसे मुश्किल तो नहीं होता बट यहाँ पर बहुत मुश्किल है। अब मैं, अरे यार ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ये मैंने रख दिया। मुझे लगता है कि मुझे थोड़े से ना कुछ ब्लॉक्स चाहिए, तो मैं फटाफट से थोड़ा सा ये ले आता हूँ डर्ट, इसको इधर डालो, अरे यार गया ना पानी, मेरे को लावा चाहिए था, लावा मैंने बेकार कर दिया। तो ये मैंने डाल दिया और इसमें यहाँ पूरा फैला दिया है, बस अब लावा भी तो नहीं है, लावा भी नहीं है, मेरे को लावा ढूंढ के लेके आना पड़ेगा, इसीलिए मैं लावा बचाना चाह रहा था। ऐसे लावा है यहाँ पे, मैं शायद कर सकता हूँ, अभी भी लग रहा है मुझे चांसेस। अरे वाह फायर चार्ज,
तो फिलहाल तो सो गए यार, बहुत मुश्किल लग रहा है। मतलब लावा जो ये पोर्टल बनाने वाला आइडिया है, ये मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि कैसे मैं इसको करूँ कम्प्लीट, क्योंकि इतना छोटे छोटे चीज़ें हैं और समझ नहीं आ रही कुछ कहाँ से क्या करूँ मैं। तो अभी मुझे बनाना है ये पोर्टल, और यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक चाहिए, ठीक है एक ब्लॉक चाहिए यहाँ पे। इसके ऊपर मुझे एक ब्लॉक रखना है सबसे पहले, जो मैंने रख दिया यहाँ पे। अब अगर मैं पानी को यहाँ पे ऐसे प्लेस करता हूँ तो शायद मैं यहाँ वाला वो रख सकता हूँ, ठीक है ओके। तो ये हो गया, अब मेरे को बस दो बकेट लावा चाहिए, और जो मुझे लग रहा है कि शायद नहीं है, क्योंकि कुछ स्टार्टिंग में मैंने गड़बड़ कर दी थी। मुझे लग रहा है कि शायद नहीं है लावा नीचे, नहीं होने के चांसेस तो हैं यार। नहीं 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 है लावा। तो आप ये देख लो, बस मुझे दो ब्लॉक लगाने थे जो कि मैं आराम से कर लेता, बट वही है कि लावा नहीं था। मतलब अगर मैंने इतना काम कर लिया तो मैं वो वाला काम भी कर लेता, बस मेरे को लावा नहीं मिला, लावा ख़त्म हो गया। मतलब जो स्टार्टिंग वाला लावा था वो मैंने गड़बड़ करके ख़त्म कर दिया, उल्टा सीधा इधर डाल के पानी। और अब आगे भी वैसे लावा हो सकता आराम से यहाँ पे, बट मैं थोड़ा सा इनके घर वर एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे कुछ है तो नहीं, बेड वेड है, बेड वेड से हमको क्या करना है, मैं खाने की चीज़ें ले सकता हूँ। तो ये तो अभी मैं थोड़ा सा दूर आ चुका हूँ, मतलब मैं उस विलेज को छोड़ के, और मुझे लग रहा है शायद ये मैंने एक्सप्लोर कर लिया था। मुझे कोई मारने आया था, नहीं ये आ रहा है बंदा, पता नहीं इससे कैसे लड़ पाऊंगा क्योंकि आर्मर पहन के आ रखा है, बट फाइट तो करनी पड़ेगी इससे। अभी मेरे पास अच्छी खासी सॉर्ड है, इसमें पता नहीं इंचेंटमेंट वगैरह लगी हुई है। ये शायद मुझे लग रहा है कि मैंने, हाँ ये मैंने एक्सप्लोर कर ली थी। ट्राई करूँ कि एक बार नेदर में जाके मैं देखूँ, क्योंकि नेदर अगर चलेगा तो यार बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत सही चीज़ होगी, बड़ी अचीवमेंट होगी अगर मैं नेदर तक चले गया। मैं ट्राई करूँ कि जाऊँ, मेरे को लावा पुल, अगर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो मैं लावा पुल में आ जाऊँगा। उस टाइम पर मैं गलत डायरेक्शन में चले गया था, इसीलिए वो जो विलेज मेरे को मिला था वो दिखा था, बट यहाँ कहीं पर एक लावा पुल था। ओके तो मुझे वो वाला लावा पुल तो मिल गया। अभी मुझे क्या काम करना है कि यार थोड़ा सा ना यहाँ से डर्ट ले जाने वाला हूँ। इस बार ट्राई करूँगा कि यार मैं स्टार्टिंग में ही उसको गड़बड़ ना कर दूँ, सही तरीके से बनाऊँ देख के, लेकिन क्योंकि ना पता नहीं चल पा रहा। अभी मेरे को शायद थोड़ा सा आइडिया आ गया कि यार कैसे कैसे ब्लॉक प्लेस हो रहे हैं। अभी भी थोड़ा, मतलब थोड़ा सा खेल लिया मैंने, थोड़ा आदत हो गई है, तो मैं इस बार ट्राई करने वाला हूँ कि यार इस बार अच्छे से बनाना है। फिलहाल हमारे डर्ट कहाँ गए, इनको निकाल लेते हैं यहाँ पर। और मुझे पता है मैं ज़्यादा इसको खेल नहीं पाऊँगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कहाँ किस हद तक जा सकता हूँ। ये ले लो, शूट, अरे एक गड़बड़ हो गई, गया। तो यही था हमारा एंड, मुझे लग रहा है यही था। अभी पता नहीं कहीं और ही रिस्पॉन होंगे। हाँ तो देखो गड़बड़ हो गई ना, तो भले ही मतलब मेरे को चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आ गई, बट फिर भी कुछ ना कुछ लग रहा है कि यार मतलब कि क्या चीज़ कैसे होगी। अनकम्फर्टेबल थोड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि माउस से खेल, मतलब मैंने इस टाइप मतलब मोबाइल में गेमिंग तो करी है, बट इस टाइप के गेम मैं कह रहा हूँ ना कि माइनक्राफ्ट, और बाकी आप गेम आराम से खेल लोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप जैसे पबजी हो या कोई भी गेम हो, GTA 5 भी हो, वो भी यहाँ पर खेल लोगे, बट ये थोड़ा सा अलग गेम था। और फिर भी मैंने, मतलब बहुत कुछ मेरे को इंचेंटमेंट मिल गए थे, लूटिंग 3 और पता नहीं क्या क्या मेरे को, आर्मर में एक लैगिंग मिल गई थी गोल्ड की, और मेरे को दो रुइन पोर्टल मिल गए थे। विलेज भी मिल चुका था, अबेंडेंट था बट विलेज मिल चुका था। पोर्टल भी ऑलमोस्ट आप समझ लो कि बना लिया था, अगर मैं यहाँ से, अगर मैं नॉर्मली खेलता इसको, मैं यहाँ से जाके वहाँ लावा ले जाके मैं बना सकता था पोर्टल, तो पोर्टल भी ऑलमोस्ट बन चुका था। इतना मुझे लगा था कि यार मैं अगर नेदर में चले जाऊँगा तो नेदर में तो चांसेस पूरे हैं मरने, क्योंकि वहाँ पर मतलब बहुत मुश्किल है यार। मैं क्योंकि मेरा मतलब मैं ये करने वाला था, अभी नेक्स्ट मेरा गोल हो ये होता कि मैं नेदर में जाऊँ, फोर्ट्रेस ढूंढो और फोर्ट्रेस में जाके ब्लेजर्स को मारूँ, बट बहुत मुश्किल था, मतलब बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था बहुत ज़्यादा। बट जो भी था बहुत मज़ा आया, पहली बार खेला लाइफ में और यहाँ तक पहुँच गया उसको, बहुत सही लगा। आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।